तो गाइज कैसे हैं आप सब लोग। तो आज हम कंपैरिजन करने वाले हैं प्लेटिना 110 एच गियर जो नया मॉडल आया है वो एंड जो ओल्ड मॉडल था इसका विदाउट डिस्क वगैरह के, तो उसका तो दोनों का कंपैरिजन करेंगे और देखेंगे कौन सी बाइक लेनी चाहिए कौन सी बाइक नहीं लेनी चाहिए। तो कंपैरिजन की वीडियो बिल्कुल ही छोटी होने वाली है क्योंकि दोनों बाइक से कुछ डिफरेंस है जो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो डिफरेंस तो शायद आपको पता है लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूँ कौन सी बाइक अब आपको लेनी चाहिए और कौन सी बाइक नहीं लेनी चाहिए। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इंजन। तो इंजन बिल्कुल सेम है, कोई भी छेड़खानी नहीं है, पावर टॉर्क वगैरह सब कुछ सेम है, वही 115 सीसी का इंजन है, सिंगल सिलेंडर फोर स्ट्रोक एयर कूल और 7.9 bhp की पावर है एंड 8.3 न्यूटन मीटर का टॉर्क है। तो वो सब कुछ सेम है, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं किए गए। उसके बाद बात आती है माइलेज। तो माइलेज में बहुत ज़्यादा कमेंट आ रहे थे कि भैया माइलेज क्या रहने वाली है, अभी नया वाला मॉडल है उसकी क्या माइलेज रहने वाली। तो मैं आपको बता दूँ माइलेज कुछ ना कुछ ज़्यादा ही मिलेगी आपको। तो वो बता दूँ आपको क्यों मिलेगी, क्योंकि इस बाइक में आपको अब 5-speed गेयरबॉक्स मिलता है लेकिन पहले वाली में आपको मिलता था 4-speed गेयरबॉक्स। तो अभी यदि 5-speed गेयरबॉक्स है तो आपको नॉइस वगैरह तो बहुत कम देखने को मिलेंगी, मतलब इंजन काफ़ी ज़्यादा स्मूथ होने वाला है और बाइक में वाइब्रेशन बिल्कुल नहीं होने वाली। तो मतलब जितना रिफाइन होगा इंजन उतनी ज़्यादा आपको माइलेज मिलेगी। तो इस बाइक में आपको इजीली अब 70 की माइलेज इजीली मिल जाएगी, लेकिन ओल्ड वाली में आपको शायद 60 से 65 की मिलती थी, लेकिन इसमें आपको मतलब कहने का मतलब कुछ ज़्यादा ही मिलेगी, कम नहीं मिलने वाली। तो बाकी माइलेज टेस्ट आने वाला है जल्दी, तो उसके लिए वेट कर लीजिए क्योंकि वो आ जाएगा मेरे ख्याल से नेक्स्ट वीक आ जाएगा इजीली। तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो बात कर लो दोनों बाइक से टॉप स्पीड के भी बहुत ज़्यादा कमेंट आ रहे थे। टॉप स्पीड यार देखो सेम रहने वाली है, लेकिन यदि आप एच गियर को हाई स्पीड में चलाते हैं तो इसमें आपको वाइब्रेशन देखने को नहीं मिलेगी और नॉइस भी काफ़ी ज़्यादा कम मिलेगी, तो ये एक फ़ायदा हो सकता है शायद। तो बाकी टॉप स्पीड वगैरह वही मिलेगी आपको, लगभग थोड़ी सी ज़्यादा मिल सकती है एच गियर की, लेकिन लगभग आपको सेम मिलने वाली है। बात कर लूँ ब्रेकिंग सिस्टम, तो पहले आपको ड्रम ब्रेक मिलता था आगे भी पीछे भी और आपको एंटी स्किड ब्रेकिंग सिस्टम भी मिलता था, लेकिन अब आपको प्लेटिना एच गियर में आपको डिस्क ब्रेक मिल जाता है वो आपको पता है। तो इससे काफ़ी ज़्यादा इंप्रूवमेंट हो जाती है ब्रेकिंग सिस्टम में। तो बात कर लूँ सस्पेंशन, तो सस्पेंशन आपको फ्रंट में वही टेलीस्कोपिक, लेकिन अभी जो नया मॉडल आया एच गियर उसमें आपको रियर में स्प्रिंग नाइट्रोक्स मिल जाता है, जो कि आपको काफ़ी ज़्यादा मतलब हेल्पफुल हो सकता है क्योंकि और ज़्यादा कंफर्ट आपको दे देता है। तो प्लेटिना जो ओल्ड वाली थी उसमें आपको शायद स्प्रिंग सिंपल स्प्रिंग वाला मिलता था, लेकिन न्यू वाली में आपको नाइट्रोक्स वाला मिलता है, तो ये काफ़ी अच्छी बात है। तो बात कर ले हेडलाइट वगैरह, तो सब कुछ सेम है, उसमें कोई भी डिफरेंस नहीं है। मीटर कंसोल की बात करूँ तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है। तो यहाँ पे आपको एच गियर में डिजिटल मीटर कंसोल मिलता है एंड आपको प्लेटिना में एनालॉग मिलता है। तो एच गियर में आपको काफ़ी ज़्यादा डिटेल मिल जाती है, सारी डिटेल वीडियो देखने के लिए आप प्लीज़ लास्ट वीडियो चेक कर लीजिए जो मैंने रिव्यू की वीडियो बनाई थी, तो वो नहीं देखी तो देख लीजिए, आई बटन पर आपको वीडियो दिख रही होगी तो वहाँ पर जाके आप चेक कर सकते हैं। तो वैसे भी बात कर लेते प्राइस डिफरेंस, तो प्राइस डिफरेंस में बात करूँ तो दो या तीन हज़ार रुपये का फ़र्क है, ज़्यादा फर्क नहीं है, मतलब 2 या 3 हज़ार रुपये कॉस्टली है प्लेटिना एच गियर। तो प्लेटिना एच गियर का जो प्राइस है ऑन रोड गुड़गांव में वो है 62,000, आप अपनी लोकेशन पे चेक कर लेना गूगल पे जाके क्या प्राइस है। एंड जो प्लेटिना 110 ओल्ड वाली का जो प्राइस है वो है 60,000, मतलब 59 के लगभग है कुछ, तो ज़्यादा फर्क नहीं है, 2-3 हज़ार का फ़र्क है। तो 2-3 हज़ार रुपये के ऊपर आप प्लेटिना ओल्ड वाली ना ही ले तो अच्छे रहें, क्योंकि आप नई वाली लीजिए क्योंकि नई वाली में आपको काफ़ी ज़्यादा फीचर्स मिल जाते हैं नए, इसलिए मैं आपको प्लेटिना एच गियर के लिए रिकमेंड करूँगा क्योंकि प्लेटिना एच गियर में आपको काफ़ी ज़्यादा नए फीचर मिल रहे हैं। तो ये था कुछ आज की वीडियो में, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।